हमीरपुर जिला के उपमंडल बरसर की ग्राम पंचायत महारल के वर्तमान प्रधान को गलत तरीके से सोलर लाइट आवंटन मामले में निलंबित कर दिया गया है। जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद उपायुक्त हमीरपुर की अदालत ने प्रधान को निलंबित किया है। प्रधान पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत वार्डों में मनमाने तरीके से सोलर लाइटें लगाने के आरोप लगे थे। पंचायत के ही एक व्यक्ति ने प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसकी शिकायत व्यक्ति ने संबंधित विभाग को सौंप दी। शिकायत मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने गहनता से पड़ताल की। जांच के बाद पाया गया कि प्रधान ने गलत तरीके से सोलर लाइट लगाई है। मामले की जांच के बाद रिपोर्ट बंद लिफाफे में उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई। बाद में विभागीय उच्च अधिकारियों ने प्रधान के निलंबन का फैसला लिया है। हालांकि लोगों की माने तो पंचायत प्रधान साफ सुथरी छवि के हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान पर वार्ड नंबर 1 व 5 में मनमाने ढंग से सोलर लाइट्स लगाने की शिकायत विभाग को की गई है। इसके बाद मामले में आगामी कार्यवाही की गई। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी चंद्रवीर सिंह का कहना है कि महारल पंचायत प्रधान धर्मचंद को सोलर लाइट मनमाने तरीके से लगाने के चलते निलंबित किया गया है। इसकी सूचना फोन के माध्यम से प्राप्त हुई है।